हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन पे ये चैनल दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वीडियो आपको शो नहीं हो रही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं है। इसका होम पेज मैंने ओपन किया हुआ है ये, और यहाँ पे मेरे को एक भी वीडियो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जबकि इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप उसका अपना चैनल ओपन कर रहे हैं, या कोई आपके चैनल को ओपन करता है उसके होम पेज पर जाता है तो वहाँ पर कोई भी वीडियो उसको शो नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, और आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट था, उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें youtube.com ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हमें अपने राइट कॉर्नर में अपने चैनल वाले आइकन पे क्लिक करना है, हमें इसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे यूअर चैनल के अंदर जाना है। यूअर चैनल पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही है। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि अगर अपलोड है वीडियो टू गेट स्टार्टेड, मतलब वीडियो अपलोड करो स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने, आप देख सकते हैं लेआउट का ये ऑप्शन है, यहाँ पे चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवेंट सब्सक्राइब्ड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चैनल ट्रेलर जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ये वीडियोज है, यहाँ पे हमें अपने चैनल की वीडियोज में से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे लगा देंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे फीचर्ड वीडियो लगा रही है कि कोई हमारे चैनल पे आएगा तो वो वीडियो भी उसे दिखेगी। ठीक है, जो हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसे भी सेम ऐड करके हम लगा सकते हैं, पर मैं अभी आपको एक ही लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एड सेक्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पे सिंपल एड सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने जितनी वीडियो अपलोड की है वो कैसे शो होंगी, तो यहाँ पे ये अपलोड्स का ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं ये सारे आगे अपलोड्स। उसके बाद दोबारा ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, अगर हमने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है तो यहाँ पे हम क्रिएटेड प्लेलिस्ट इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने और भी कुछ बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने लाइव कर रखी है तो लाइव वाली आप यहाँ पे पास्ट लाइव स्ट्रीम ऐड कर देंगे, शॉर्ट वीडियो बना रखी है तो वो आप यहाँ से कर देंगे, पॉपुलर अपलोड्स भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरी पॉपुलर अपलोड्स आ गई। ठीक है, और इन्हें हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल आपको ये पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको ये आप देख सकते हैं चेंज पब्लिश्ड हो गया, आप चैनल पे व्यू करके देखते हैं, व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको सब कुछ दिखने लग गया, यहाँ पे सारी वीडियोस दिखने लग गई, जोन जोन से अपलोड्स आपने की हैं ये आपको दिखने लग गई, यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस आपकी दिखने लग गई, प्लेलिस्ट आपकी दिखने लग गई। तो ये आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपकी अब इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।